अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं इस बार बहुत ही टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत थोड़ी सी अप डाउन थी इसी वजह से। तो आज मैं एक रिव्यू करूँगी। तो मैंने कहा कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है, तो क्यों ना आपके साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो मैं आज जो प्रोडक्ट यूज़ करने जा रही हूँ वो है डव इंटेंस रिपेयर शैम्पू प्लस कंडीशनर। मैंने ये दोनों यूज़ किए। इन्होंने मेरे बालों पे किस तरह के इफ़ेक्ट्स आफ्टर इफ़ेक्ट्स दिए वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राइस की। प्राइस में ये बहुत ही जो है बजट फ्रेंडली है। 330 रुपीज़ में मुझे इसकी ये बॉटल छोटी वाली जो आई थिंक 200 ml है वो मिली है। तो एक मंथ यूज़ करने के लिए फॉर 1 पर्सन इट्स इनफ। बाकी जो इसकी पैकेजिंग है इट्स रियली क्यूट, वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। और मतलब और एक अच्छी जो कह सकते हैं मजबूत पैकिंग है। फ्लिप एंड फ्लॉप में इसका जो है वो कवर है। और इस तरह की कुछ कंसिस्टेंसी भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन जिसका जो शैम्पू का कलर था थोड़ा सा एक माइल्ड ग्लिटरी टाइप सा इसका टेक्सचर था। और उसके अलावा इसकी फ्रेगनेंस जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। मतलब एक सुकून जैसे कहते हैं ना आता है, वैसी वाली मुझे इसकी फ्रेगनेंस लगी। यहाँ इसका आप टेक्सचर देखे आपको भी इसमें हल्के हल्के ग्लिटर से फील हो रहे हैं। तो बाकी जो कंसिस्टेंसी है वो जैसे आम शैम्पू की होती है उसी तरह की है। एक और चीज़ आपको बता दूँ कि अगर जब भी आपने अपने शैम्पू को यूज़ करना है डायरेक्ट अपने स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना। थोड़ी सी क्वांटिटी है किसी बॉटल में पानी ले लें, बॉटल है या जो भी आपके पास अवेलेबल है चीज़ उसमें, और डाइल्यूट करके आप शैम्पू फिर यूज़ करें अपने स्कैल्प पे। और ये हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट इसी की मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं पहले का ओवरव्यू दे दूँ इसका, फिर मैं आपको इसका मतलब रिज़ल्ट जो मेरे बालों पर आया वो मैं बताती हूँ। इसकी भी प्राइस 330 सेम आपको प्राइस में मिलेगा। दोनों की पैकेजिंग ऑलमोस्ट सेम है, बस उसका जो ढक्कन है कवर उसका कलर जो है ब्लू है इस पर, मतलब इस तरह का नहीं है। बाकी इन्होंने बैक साइड पे इसको यूज़ करने का तरीका बताया हुआ है कि मतलब कंडीशनर कैसे यूज़ करना है। थिंक मैंने पहले सनसिल्क का या किसी और ब्रांड का यूज़ किया था उस पर मेंशन नहीं था। तो ये चीज़ अच्छी है कि कंडीशनर की बैक साइड पे लाजमी मेंशन होना चाहिए कि हाउ टू यूज़ इट। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि जब शैम्पू करने के बाद आप अपने बालों पे अप्लाई करेंगे फॉर 1 मिनट और उसके बाद पानी से इसे वॉश कर लेंगे। दैट इज़ गुड पॉइंट कि इन्होंने प्रॉपर तरीका जो है मेंशन किया हुआ है। फ्लिप फ्लॉप में इसका कवर है तो ये, और बहुत ही इजी टू ओपन है। इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा दूँ, इसका टेक्सचर थोड़ा थिक क्रीमी थिक टाइप है, ऐसे ही जैसे कि कोई क्रीम्स या एप्लीकेशन करते हैं ना उस तरह की है। इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है, मतलब मुझे दिल मतलब मुझे ये फर्स्ट टाइम किसी शैम्पू की फ्रेगनेंस इतनी अच्छी लग रही है। मतलब इस वजह से एक फ्रेगनेंस का बता रही हूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोगों को इरिटेशन एलर्जी कुछ होती है तेज़ खुशबू से, उस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल हल्की सी इसकी खुशबू है। कि आपको ये बताती चलूँ कि जब मैंने यूज़ किया फर्स्ट टाइम, मैंने ऑयलिंग की हुई थी अपने बालों पे और मैंने सिर्फ यूज़ किया शैम्पू, उसने मेरे बालों को काफ़ी हद तक ड्राई कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम मैंने फिर वैसे ट्राई किया एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने आपके साथ रिव्यू शेयर करना था इसलिए मैंने कहा कि एक दो बार इसे अप्लाई करके देख लूँ कि रिज़ल्ट कैसा है, ताकि तभी आपके साथ मैं इसका एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। तो नेक्स्ट टाइम मेरे साथ कुछ यूँ हुआ कि मैंने ऑयलिंग तो की हुई थी, मैंने अप्लाई किया शैम्पू और फिर मैंने कंडीशनर अप्लाई किया, तो उससे मेरे बालों में मतलब डिफरेंस मुझे फील हुआ कि हाँ, अगर मतलब ये जो ऊपर लिखा हुआ है इंटेंस रिपेयर देन इट इज़ रिपेयरिंग, और मेरे बालों में बहुत ही फ्रिजीनेस जो है कम हो गई थी। एक अच्छे स्मूथ सिल्क में इवन हाथ लगा के भी पता चलता था कि हाँ मेरे बाल जो है वो काफ़ी हद तक अच्छे हुए हैं। तो इट इज़ कंपल्सरी कि इफ़ यू आर यूजिंग इंटेंस रिपेयर शैम्पू तो उसके साथ उसका कंडीशनर भी लाजमी यूज़ करें, अदरवाइज योर हेयर विल बी सो ड्राई। तो ऑयलिंग, इवन ऑयलिंग के बाद की बता रही हूँ कि सिंगल शैम्पू मतलब मेरे बालों में तो बहुत ही ड्राइनेस करके गया, फ्रिजी बाल। तो बेटर यही है कि आप ऑयलिंग करें एंड देन यूज़ बोथ शैम्पू एंड कंडीशनर,
उसके अलावा मैंने ये वाला शैम्पू जो है लॉरियल का यूज़ किया, इसका भी मैं रिव्यू बताऊंगी। डव का शैम्पू बेस्ट है इफ़ यू आर यूजिंग बोथ, ये मैंने बता दिया आपको। सिंगल शैम्पू यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि आपके बाल उससे काफ़ी ड्राई होंगे, और आजकल का मौसम भी इतना ड्राई है कि शैम्पू अगर आप अकेला इस्तेमाल कर रहे हैं बगैर ऑयलिंग के तो बहुत ही बुरे बाल हो जाते हैं, फटे हुए जैसे कहते हैं ना बाल, मैं तो अपने मतलब इस तरह कहती हूँ कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हुए तो उस तरह के बाल हो जाते हैं, तो वो बहुत ही मतलब बुरे लगते हैं और नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। तो बेहतर यही है कि आप जो है इस तरह की मतलब एहतियात लाजमी पहले कर लें ताकि आपको बात के लिए मुश्किल ना हो। तो होप्स हो कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। उसके अलावा इंटेंस रिपेयर भी बालों को करता है और बालों को अच्छा एक नरिशमेंट देता है। तो ओवरऑल ये शैम्पू अच्छा है लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ, और मैं ऑलरेडी वो आपको बता चुकी हूँ। तो लाजमी आप अगर ये शैम्पू ट्राई करें और जो मैंने आपको तरीका बताया उससे ट्राई करेंगे लगाएंगे तो आपको ये वाकई अच्छा लगेगा, अदरवाइज़ यू विल से कि हाँ भाई ये कैसे शैम्पू ले लिया। तो बजट फ्रेंडली एक अच्छा शैम्पू है। बाकी आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।